क्या पाकिस्तान के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन। पाकिस्तान के खत्म होने वाले हैं भीख मांगने वाले दिन। चीन की गुलामी से बाहर निकलने वाला है पाकिस्तान। जी हां, कई महीनों से कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाले पाकिस्तान के वजीरे आजम इमरान खान को भीख मिलने वाली है। कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चौखट पर कटोरा लेकर खड़े पाकिस्तान को भीख मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच शुरुआती समझौता हो गया है। आईएमएफ पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की राहत पैकेज देगा। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर दी। वित्त मंत्रालय के प्रमुख अब्दुल हफीज शेख ने पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर कहा, आईएमएफ के कर्मचारियों के साथ हम एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिसके तहत अगले 3 साल के लिए 6 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। इस पैसे को कहां कितना लगाना है ये देखना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम आय वाले लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। हालांकि आईएमएफ के प्रबंधन और उसके कार्यकारी बोर्ड ने अब तक इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि रविवार को स्टाफ स्तर पर हुई बातचीत काफी अहम रही, जिसके आधार पर नए कर्ज के लिए समझौता हुआ। आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट पर इस कदम की घोषणा की है। पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, उसके विकास की रफ्तार धीमी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, वो कर्ज में डूब गया है और वैश्विक स्तर पर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आतंकवाद का समर्थक देश पाकिस्तान बीते 1 साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस दौरान उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 2 महीने के आयात से भी कम रह गया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पाकिस्तान को रुपए के एक्सचेंज रेट में फ्री फ्लोटिंग मैकेनिज्म पर फंड मिल रहा था, लेकिन 2017 से लेकर अब तक उसका करीब 34% अवमूल्यन हो गया है। आईएमएफ की घोषणा से लग रहा है कि पाकिस्तान ने मांग को मान लिया है। आईएमएफ की घोषणा के मुताबिक बाजार निर्धारित विनिमय दर से वित्तीय सेक्टर को चलाने में मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था में संसाधनों को बेहतर तरीके से बांटने में भी सहयोग मिलेगा। प्रशासन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के स्वतंत्र संचालन को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। गौर हो कि आईएमएफ से कर्ज लेना भी पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत ला सकता है, क्योंकि आईएमएफ लगातार कर्ज देने से पहले चीन से लिए गए कर्ज की पूरी जानकारी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इसकी जानकारी नहीं देना चाहता।